हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। अब देखिए, मॉनसून का सीजन है, ये प्रोपोगेशन का टाइम है। बहुत जल्दी प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन मतलब होता है किसी प्लांट को रेप्लिकेट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, बढ़ा देना। तो इसको सबके प्रोपोगेशन के तरीके बहुत सारे होते हैं और बहुत फर्क फर्क भी होते हैं। देखिए, तो प्रोपोगेशन कई तरीके से हो सकता है। एक तो बाय कटिंग हो सकता है, यहाँ से काट दीजिए और प्लांट कहीं और लगा दीजिए, नीचे से रूटिंग शुरू हो जाएगी। अब ये हम लोग सॉइल लेयरिंग दिखा रहे हैं। सॉइल लेयरिंग मतलब क्या होता है कि ये हम लोग सॉइल में लेके जाएंगे। यहाँ मिट्टी है, ये गमले में ग्रो कर रहा है, ये मदर प्लांट है, ये मिट्टी में ग्रो कर रहा है और इसको यहाँ से लेके गए। ये काफी लंबी सारी ये इसकी वो है, इसमें खूब सारी, देखिए इसमें रूट्स आई हुई है, खूब सारी रूट्स आई हुई है। अब इनको क्या करेंगे, इसमें डाल के ये वाला यहाँ दबा, इसको भी यहाँ पर ऐसे दबा देंगे और इसको भी मैं पत्थर से दबा दूंगी। इसको ये रनर नहीं है इसका, इसमें रूट्स आई हुई है। बस इसमें पानी डाल, इसमें क्या किया हम लोग ने, एक स्टॉक लेके यहाँ से इसको एक और एक पॉट में ले गए और जो ये नोड है, ये नोड को सॉइल में डाल दिया है। तो हम लोग लेयर कहाँ कर रहे हैं, सॉइल में लेयर कर रहे हैं इसको। सॉइल में इसकी हम लोग रूटिंग करा रहे हैं, जैसे उसकी हवा में करा रहे थे, एयर लेयरिंग करा रहे थे, इसको सॉइल में करा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सॉइल लेयरिंग। और क्या किया हम लोग ने, इसके ऊपर पत्थर इसीलिए रखे हैं ताकि वजन रहे और ये हिले नहीं, क्योंकि अभी ये ग्राउंडेड नहीं है, नीचे मिट्टी में खिंचा हुआ नहीं है रूट से, ये यहाँ पर टिका हुआ है क्योंकि रूट्स इसको नीचे खींच रखा है इन्होंने, ये निकलते नहीं है। तो ये पत्थर भी डाल सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोई क्लिप हो या कुछ हो, उससे ऐसे दबा भी सकते हैं ताकि ये उखड़े ना और बार बार डिस्टर्ब ना हो और यहाँ पर रूटिंग हो जाए। तो इसको करे हुए हम लोग को कुछ टाइम हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसकी रूटिंग कैसी हुई हुई है, ये देखते हैं। और जब रूटिंग अच्छी सी हो जाएगी, हम लोग को लगेगा कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ हो गई है, वेट करके जल्दी नहीं करेंगे। जल्दी करने से क्या होगा, इतनी रूटिंग हुई नहीं होगी इसकी। तो अच्छे से वेट कर लिया हम लोग ने, मानसून में इसकी ग्रोथ होती है। तो मानसून में इनफैक्ट सारे प्रोपोगेशन बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है एयर में, मॉइस्चर रहता है एयर में जो हेल्प करता है इसको। तो इसमें क्या हुआ है, खाना, न्यूट्रिशन, वाटर सब कुछ मदर प्लांट से आ रहा है, यहाँ आ रहा है और ये सर्वाइव कर जाएगा। अगर जब तक रूटिंग नहीं होती, जब तक हम लोग इसको यहाँ से स्निप ऑफ नहीं करते, खाना भोजन सब कुछ यहाँ से आ रहा है। और जब हमको लगे कि ये हो चुका है, प्रोपोगेट हो चुका है, तब हम लोग यहाँ से इसको स्निप ऑफ कर देंगे। तो क्या हुआ, दो प्लांट बन गए, एक ये यहाँ से प्रोपोगेट कर जाएगा, ब्रांचेस बन जाएंगे यहाँ से और यहाँ ये ग्रो करने लग जाएगा और ये अलग हो जाएगा इस छोटे से पॉट में। फिर उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करके, रिपॉट करके बड़े में कर सकते हैं। रूटिंग हम लोग देखते हैं कि रूटिंग हुई है, कैसी हुई है, हुई नहीं है, कितनी हुई है और ये अपने आप सर्वाइव कर सकता है क्या। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये लग रहा है काफी दूर तक रूटेड है। बहुत अच्छी रूटिंग हुई हुई है क्योंकि ये नीचे तक पकड़ा हुआ है, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी सॉइल लेयरिंग हो गई है। अब अगर हम लोग यहां से इसको काट देते हैं तो क्या हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया। इसको अलग कर देती हूँ, ये देखिए ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया। इतनी अच्छी रूटिंग हो जाए तब आप स्निप ऑफ करिए। इसको वापस लगा देती हूँ मैं, ये निकालना नहीं चाहिए, वैसे मैंने दिखाने के लिए निकाला आपको। ये है सॉइल लेयरिंग। अब इसमें पत्थर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रूट्स ने अपने आप ग्राउंड करेंगी उसको।
सॉइल लेयरिंग कईयों में कर सकते हैं, जैसे ये वाला, ये स्पाइडर प्लांट है, ये रनर है, इनको भी हम लोग किसी में लगा के ऐसे फूड सप्लाई रहेगा, जब रूटिंग हो जाएगी तो इसको काट देंगे। यहाँ ऑलरेडी थोड़ी रूट्स आई हुई है, ये देखिए ये रूट्स दिख रही हैं सॉइल लेयरिंग के लिए। ये कैलिसिया फ्रैगरे, इसको यहाँ से एक और पॉट में लगा देंगे और वेट करेंगे, ये अपने आप डेवलप होने लगेंगी बहुत ज्यादा और यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हमको नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ग्रोथ आने लग गई है। फूड सप्लाई यहाँ से रहेगा, पानी आ रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स मदर प्लांट से आ रहे हैं, तो ये ग्रोथ खूब जल्दी करेगा और ये इसमें ऑलमोस्ट क्या 100% इसमें सक्सेस रेट होती है। आई होप आपको ये वीडियो सॉयल लेयरिंग का मॉनसून के टाइम अच्छा लगा। अगर ये सॉयल लेयरिंग का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।